ये है कलम की ताकत। आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण के साथ शुक्रवार को बाड़मेर जिले में वन महोत्सव की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वन महोत्सव के तहत 1,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस दौरान जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण करने के साथ आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में जिला स्तरीय वन महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल ने कहा कि बाड़मेर जिले में आमजन में पौधारोपण को लेकर जागरूकता आई है। उन्होंने पौधारोपण को मौजूदा समय में महती जरूरत बताते हुए कहा कि प्रत्येक घर में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि पौधारोपण के जरिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पौधों की तादाद पर जल स्तर, ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं अन्य कई पहलू निर्भर करते हैं। जिला कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि आगामी पीढ़ी के लिए कम से कम ऐसा पर्यावरण अवश्य छोड़कर जाएं जैसा हमें मिला था। जिला कलेक्टर गुप्ता ने बाड़मेर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्राचार्य सोनी एवं उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए नव प्रवेशित विद्यार्थियों को बधाई दी। पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने कहा कि राजस्थान में वृहद स्तर पर पौधारोपण की जरूरत है। वनों की उपलब्धता के आधार पर बारिश निर्भर करती है। जहां अधिक वन है वहां पर बारिश अधिक होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प लें कि वह पौधारोपण करने के साथ अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा। इस अवसर पर उपवन संरक्षण विक्रम केसरी प्रधान, यूआईटी सचिव अंजुम ताहिद समा, प्रिंसिपल डॉक्टर एनडी सोनी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी, डॉक्टर अनूप सिंह गुज्जर, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवंत गोड, विकास अधिकारी कैलाश चौधरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने पौधारोपण किया।